गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू पैथो क्लास इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ CNS पैथोलॉजी, दैट इज एनसेफेलाइटिस. एनसेफेलाइटिस इज़ द इन्फेक्शन एंड सीवियर इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन कॉज्ड बाई डिफरेंट वायरसेस इज नोन एज एनसेफेलाइटिस. एनसेफेलाइटिस में ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाता है और सीवियर उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है. मेनली वायरस की वजह से होता है, वायरस के अलावा बैक्टीरिया और फंगाई की वजह से भी ऐसा देखा जाता है. तो हमारे को इसके अंदर अब ये टॉपिक्स वगैरह सारे पढ़ने हैं, CM वगैरह, रिस्क फैक्टर्स वगैरह. तो एनसेफेलाइटिस क्या है? एक रेयर पर बहुत ही सीरियस जानलेवा बीमारी है जिसमें ब्रेन टिश्यू का इन्फ्लामेशन हो जाएगा. मेनली ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और उसके अलावा रेयर केसेस में बैक्टीरिया से और यहाँ तक कि फंगाई से भी होता है. तो डेफिनेशन क्या है इसकी? एनसेफेलाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू, और वी कैन से इट इज़ द इन्फेक्शन एंड सीवियर इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन कॉज्ड बाई डिफरेंट वायरसेस इज नोन एज एनसेफेलाइटिस. नाउ टाइप्स. Actually, encephalitis is of two types, that is primary and secondary. Primary encephalitis जो है ये तब होता है जब ब्रेन में वायरस का डायरेक्ट इन्फेक्शन हो गया, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में अगर वायरस का डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है तो वो प्राइमरी encephalitis कहलाता है. और अगर ये इन्फेक्शन बॉडी में कहीं और हुआ था और फिर ये ट्रैवल करता हुआ ब्रेन तक पहुंच गया है इन्फेक्शन, तो उसको सेकेंडरी एनसेफेलाइटिस कहते हैं कि इन्फेक्शन हुआ था बॉडी में किसी और जगह पर और वो ट्रैवल करता हुआ कहाँ पहुंच गया? ब्रेन टिश्यू में पहुंच गया है, तो उसको अपन सेकेंडरी एनसेफेलाइटिस कहते हैं. अब रिस्क फैक्टर्स, भाई किस किस को हो सकता है ये एनसेफेलाइटिस? तो ओल्डर एडल्ट्स को, बुज़ुर्गों को ज़्यादा होता है, 1 साल से छोटे बच्चों में भी कॉमनली देखा जाता है, और जिनका वीक इम्यून सिस्टम होता है यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है. अब ईटियोलॉजी क्यों हो जाता है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो एनसेफेलाइटिस है तो दोनों के कॉजेज अलग अलग हैं. प्राइमरी जो है वो मेनली देखा जा रहा होता है वायरसेस की वजह से, जैसे हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस है, एब्स्टेन बार वायरस है, वो एनसेफेलाइटिस कॉज कर देते हैं. या फिर बचपन में वायरस का कोई इन्फेक्शन जैसे मीजल्स या मम्प्स हुआ था उसकी वजह से हो सकता है. तीसरा, इसमें आरबो वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो मॉस्किटो से, टिक से या दूसरे इंसेक्ट से फैलता है, जैसे जापानीज एनसेफेलाइटिस है, वेस्ट नीले एनसेफेलाइटिस, टिक बॉर्न एनसेफेलाइटिस. इसके अलावा ये एनसेफेलाइटिस अपने यहाँ पर ओडिशा के अंदर भी अभी देखने को मिला था काफ़ी ज़्यादा. यूपी में अगर आपने कुछ समय पहले खबर सुनी हो तो योगी सरकार के टाइम पर एक बार हुआ था कि बच्चे जो है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से मर गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आ गई थी, ऐसी अफवाह उड़ी थी, जबकि उसका एक्चुअल रीज़न था कि बच्चे एनसेफेलाइटिस से मरे थे. तो ये एनसेफेलाइटिस होता है. जबकि सेकेंडरी एनसेफेलाइटिस जो है वो वायरल का इन्फेक्शन बॉडी में कहीं और हुआ था और उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये ब्रेन तक पहुँच गया. अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है भाई? तो फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, सर में दर्द होएगा, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, गर्दन अकड़ जाएगी, थकावट, लिथार्जी रहने लगेगी, कंफ्यूजन रहेगा, चक्कर आने लग जाएंगे, हैलुसिनेशन की स्टेट में पर्सन पहुंच जाएगा, उसका मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट काफ़ी धीरे हो जाएगा, कॉमा में जा सकता है, दौरे पड़ सकते हैं, इरेटिबिलिटी हो सकती है, लाइट के प्रति वो बहुत सेंसिटिव हो सकता है या अनकॉन्शियस भी हो सकता है. ड्रॉजीनेस, कॉमा वगैरह जो है वो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स के अंदर आता है, जिसमें ड्रॉजीनेस, कॉमा, पैरालिसिस, एटैक्सिया, ऑर्गेनिक साइकोसिस हो सकता है. और इरिटेशन क्या है? मेनिन्जियल इरिटेशन होता है जिसमें नेक और बैक दोनों जो होती है वो स्टिफ्ड हो जाती हैं, अकड़न आ जाती है. अब देखिए पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है कि ऐसे पर्संस के अंदर सेरेब्रा में डिफ्यूज़ होता हुआ एडिमा भी हो जाएगा, यानी फ्लूड भरेगा, कंजेशन यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और हैमरेज यानी ब्लड का लीकेज होने लग जाता है सेरेब्रम में. एडिमा, कंजेशन और हैमरेज डिफ्यूज स्टेट में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स में सेल डेथ होने लग जाएगी, वो मरने लग जाएंगे, डीजनरेट होने लग जाएंगे. मेनिन्जिस के अंदर कंजेशन यानी ब्लड वॉल्यूम इकट्ठा हो जाता है, जिसमें मोनोन्यूक्लियर सेल्स भी आकर के
इकट्ठी हो जाएंगी, मोनोन्यूक्लियर सेल्स में मोनोसाइट्स वगैरह वहाँ पर पहुँच जाएगी, पेरीवैस्कुलर टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाएगा, माइलिन शीथ टूटने लग जाएगी न्यूरॉन्स की। इन सब के कारण ग्लायल प्रोलिफरेशन, ग्लायल सेल्स वहाँ पर अपने नंबर को बढ़ा लेती हैं। डिपेंड कर रहा है कि इन्फेक्टिक एजेंट कौन सा है, उसके बेसिस पर डीमाइलिनेशन यानी माइलिन शीथ हटने लग जाएगी, वैस्क्यूलर और पेरीवैस्क्यूलर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, सेरेब्रा के कॉर्टिकल में भी ये वाली सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये डिस्ट्रक्शन वगैरह। और अगर किसी को रेबीज़ या हर्पिस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन हुआ है तो स्पेसिफिक इंक्लूजन्स भी आपको उसमें दिखाई देंगे। इंक्लूजन्स क्या होते हैं, आपने माइक्रोबायोलॉजी में आपने वायरस जब पढ़ा था उसमें इंक्लूजन बॉडी पढ़ी होगी कि वायरस का इन्फेक्शन होता है तो सेल्स के अंदर कुछ बॉडीज़ दिखाई देती जिनको अपन इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, तो वो भी दिखाई देंगी। और कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस फैलसी पैरा मलेरिया के भी आपको दिखाई देंगे। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी के अलावा देखिए आप कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस भी देखिए कि वायरस में क्या दिखाई देते हैं। जो हमने बोला पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेशन या मोनोसाइट का कह रहे हैं ना, तो पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफाजेस वहाँ पे पहुँच सकती है, माइक्रोग्लायल सेल्स का क्लस्टर दिखाई देगा, इंफ्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज जैसे नेगरी बॉडीज वगैरह प्रेजेंट रहेगी। ये तो वायरल इंसेफेलाइटिस है। अगर HIV की वजह से हो रहा है तो फोकल इरेग्युलर जिलेटिनस एरिया दिखाई देगा जो ग्रे वाइट मैटर का बना होता है, सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फेक्ट करता है, ऐसा दिखाई देगा। और अगर एन्सेफेलाइटिस बैक्टीरिया की वजह से हुई है तो आपको वहाँ पे लोकलाइज्ड एरिया ऑफ इन्फ्लामेटरी नेक्रोसिस एंड एडिमा सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल दिखाई देगा, कि फाइब्रस कैप्सूल के चारों तरफ एडिमा दिखाई देगा और इन्फ्लामेटरी नेक्रोसिस का एरिया दिखाई देगा कुछ पर्टिकुलर जगह पर। इसके अलावा एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स दिखाई देंगी, सेप्टिक थ्रोम्बोसिस ऑफ वेसल्स प्रेजेंट, ऐसा दिखाई देगा, एब्सेस कंटेनिंग पस सेल्स, तो एब्सेस यानी पस सेल्स वाला एब्सेस भी वहां पर आपको दिखाई देगा। तो ये पैथोलॉजिकल चेंजेस है वायरस के, बैक्टीरिया के और HIV के। अब आप डायग्नोस कैसे कर सकते हो, तो केयरफुली हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन आपको करना है पर्सन का। CSF देखोगे तो आप डिफरेंशिएट कर सकोगे कि ये एन्सेफेलाइटिस है, मेनिनजाइटिस नहीं है, क्योंकि दोनों में इन्फ्लामेशन हो रहा है, मेनिनजाइटिस में मेनिंजेस का और एन्सेफेलाइटिस में टिश्यू का इन्फ्लामेशन हो रहा है। मेनिनजाइटिस भी मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊंगी। ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हो जिसमें आप शुगर, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। यूरिन का एग्जामिनेशन कर सकते हो, टॉक्सिकोलॉजिक स्टडी कर सकते हो कि भाई बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस तो इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा आप यूरिन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो, वायरोलॉजिकल स्टडी भी आप कर सकते हो, CT स्कैन करवा के देख सकते हो ब्रेन का, और EEG जो है आप देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बीमारी है और किस तरह की बीमारी है। अब इसमें हमने पैथोलॉजी वगैरह सब कुछ पढ़ ली है, तो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं भाई इसके, तो कॉम्प्लिकेशंस में मेमोरी पर्सन की पूरी तरह से जा सकती है, उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल जाएगी, मिर्गी के दौरे पड़ सकते, थकावट रहेगी, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोरी आ जाएगी उसके अंदर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दिमाग, क्योंकि हम ऊपर बोल रहे याददाश्त चली गई तो याददाश्त तो जाएगी, बौद्धिक क्षमता भी उसकी ख़त्म हो जाती है, मसल का कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाता है कि कौन से मसल कब कैसे मूव करना है, इनका कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, दिखने दिखाने के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाएगी, सुनने में दिक्कत आने लग जाती है, बोल नहीं पाता है साफ तरीके से, अपनी बात को कह नहीं पाता, पर्सन कोमा में पहुंच जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, और इतनी सारी चीज़ें होगी तो उसकी डेथ हो सकती है फाइनली। अब कंक्लूजन क्या है भाई, एन्सेफेलाइटिस ब्रेन का इन्फ्लामेशन है, यूजुअली वायरस की वजह से होता है पर कई बार बैक्टीरिया फंगाई से भी हो सकता है, ये माइल्ड से लेकर सीवियर हो सकता है पर अधिकतर केसेस के माइल्ड ही होते हैं और सिम्टम ऐसे लगते हैं जैसे कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स हो। बस एक थोड़ा सा एन्सेफेलाइटिस में CNS में क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि CNS में आपको मोनोन्यूक्लियर सेल्स इनफिल्ट्रेशन दिखाई देगा जिसमें लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफाजेस दिखाई देंगी,
सेल लाइसिस और फेगोसाइटोसिस ऑफ सेल डेब्रिस बाय मैक्रोफाज, दिखाई देगा कि मैक्रोफाज जो है वो सेल्स को खा गई हैं, तो सेल्स के टुकड़े कचरे फचरे दिखाई देंगे, वायरल इंक्लूजन्स दिखाई देंगे, नेग्री बॉडीज वगैरह, रिएक्टिव हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ एस्ट्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लियल सेल्स ऑफन फॉर्मिंग सेल क्लस्टर्स। तो आपको खूब सारी माइक्रोग्लियल सेल्स और एस्ट्रोसाइट्स दिखाई देंगी, और लास्ट एडिमा विच इज़ ऑफ वैसोजेनिक टाइप, इस तरह का एडिमा आपको दिखाई देगा। बस इसके साथ आपका ये एनसेफेलाइटिस का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। छोटे छोटे से टॉपिक, बहुत ज़्यादा बड़े हैं नहीं, 10-10 मिनट की क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन में थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, क्लास में तो बोर्ड का यूज़ करना पड़ता है, लिखना करना पड़ता है, फिर भी टाइम लग जाता है। यहाँ तो 10-10 मिनट के टॉपिक हैं, छोटे छोटे से आप याद करके रख लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। आज के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए, तो बस थैंक यू।